वेलकम एवरी वन आज हम सीखने वाले हैं एंगल्स फॉर्म्ड बाय अ ट्रांसवर्जल सबसे पहले देखते हैं कि ट्रांसवर्जल क्या होती है तो ट्रांसवर्जल इट इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्जल डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट तो इसका मतलब है कि ट्रांसवर्जल एक ऐसी लाइन है जो दो अलग अलग लाइंस को दो अलग अलग पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है अब ट्रांसवर्जल को हम फिगर ड्रॉ करके समझते हैं तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ की और इस लाइन का नाम है एल लाइन एल फिर हमने एक और लाइन ड्रॉ की और इस लाइन का नाम है लाइन 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 अब हम एक ऐसी करेंगे जो एल और लाइन एम को दो अलग अलग पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है यहां इस लाइन को हम पी लिख रहे हैं तो यहां पर जो ये पिंक लाइन ड्रॉ की है इसे हम कहेंगे ट्रांसवर्जल तो लाइन पी एल और एम लाइन की ट्रांसवर्जल है क्योंकि ये एल और एम लाइन को दो अलग अलग पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है वी से पी इज़ अ ट्रांसवर्जल टू द लाइंस एल एंड एम अब यदि हम एक लाइन ड्रॉ करें इस लाइन का नाम हमने कह दिया है एल और हम एक और लाइन ड्रॉ करें जो इसको इंटरसेक कर रही है और इस लाइन को हम इसका नाम लिख देते हैं एम ये दोनों ही लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक कर रही हैं एक पॉइंट पर एक और लाइन हम ब्लू कलर की ड्रॉ कर रहे हैं जो इन दोनों ही लाइंस को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक कर रही है इसका नाम हम लिख देते हैं पी तो क्या हम लाइन पी को ट्रांसवर्जल कह सकते हैं बिल्कुल नहीं यहाँ ब्लू कलर से जो हमने लाइन पी बनाई है वो एक ट्रांसवर्जल नहीं है क्योंकि ट्रांसवर्जल दो या दो से अधिक लाइंस को अलग अलग पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है लेकिन यहाँ पर तो पी एल और एम को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है तो यहाँ हम कहेंगे कि पी ट्रांसवर्जल नहीं है हम कहेंगे हे लाइन पी इज नॉट अ ट्रांसवर्जल To the lines L and M because it is not intersecting lines L and M at distinct. पॉइंट्स। अब देखते हैं कि ट्रांसवर्सल किस तरह के एंगल्स बनाती है एंगल्स फॉर्म्ड बाय अ ट्रांसवर्सल वेन टू लाइन्स एल एंड एम आर इंटरसेक्टेड बाय अ लाइन पी देन टोटल एट एंगल्स आर फॉर्म्ड तो जब दो लाइंस को एक ट्रांसवर्जल कट करती है तो वहाँ पर टोटल एट एंगल्स बनते हैं यहाँ हमने एक लाइन बनाई है ब्लू कलर से लाइन एल और एक दूसरी लाइन बना रहे हैं लाइन एम और इन दोनों ही लाइंस की एक ट्रांसवर्जल बना रहे हैं जिसका नाम है लाइन पी ट्रांसवर्जल पी टोटल एट एंगल्स यहाँ पर फॉर्म कर रही है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट सबसे पहले हम इन एंगल्स को नंबर्स दे देते हैं वन टू थ्री फोर एंड फाइव सिक्स सेवन एट यहाँ पर ये यह जो टोटल एट एंगल्स बन रहे हैं उनके कुछ स्पेशल नेम्स हैं तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं इंटीरियर एंगल्स आप देख रहे हो कि दोनों लाइंस के बीच का या जो इंटीरियर पार्ट है वहाँ पर टोटल फोर एंगल्स बन रहे हैं एंगल थ्री एंगल फोर एंगल फाइव एंड एंगल सिक्स तो हम एंगल थ्री एंगल फोर एंगल फाइव और एंगल सिक्स को कहेंगे इंटीरियर एंगल्स क्योंकि ये सारे एंगल्स लाइन एल और लाइन एम के इंटीरियर में बन रहे हैं अब हम देखते हैं एक्सटीरियर एंगल्स तो इन लाइंस के ऊपर की तरफ वाला हिस्सा जो मैं ग्रीन कलर से कर रही हूँ और नीचे वाला हिस्सा ये दोनों ही एक्सटीरियर पार्ट्स हैं तो इसे हम यहाँ पर भी फोर एंगल्स बन रहे हैं इस पार्ट को भी हम एक्सटीरियर कहेंगे और इस पूरे एक्सटीरियर पार्ट में टोटल फोर एंगल्स बन रहे हैं एंगल वन एंगल टू और हमने एक एंगल सेवन और एंगल एट नाम दिया हुआ है तो एक्सटीरियर एंगल्स हो जाएंगे एंगल वन एंगल टू एंगल सेवन एंड एंगल एट अगला टाइप है पेयर्स ऑफ करस्पोंडिंग एंगल्स यहाँ पर टोटल फोर पेयर्स ऑफ करस्पोंडिंग एंगल्स बन रहे हैं एक है एंगल वन एंड एंगल फाइव ये दोनों ही एंगल्स करस्पोंडिंग एंगल्स हैं एक और पेयर भी है करस्पोंडिंग एंगल का एंगल टू एंड एंगल सिक्स एंगल टू और एंगल सिक्स भी करस्पोंडिंग एंगल्स हैं तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर एंगल टू एंड एंगल सिक्स करस्पोंडिंग एंगल्स के दो पेयर्स और भी हैं एंगल थ्री एंड एंगल सेवन इन दोनों को भी पेयर ऑफ करस्पोंडिंग एंगल्स कहा जाता है तो हम लिखेंगे एंगल थ्री एंड एंगल सेवन एक और पेयर भी है करस्पोंडिंग एंगल्स का एंगल फोर एंड एंगल एट तो इस तरह के फिगर में टोटल फोर पेयर्स बनते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स के एंगल फोर एंड एंगल एट नेक्स्ट है पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो इंटीरियर तो आपको मालूम है इंटीरियर मतलब एल और एम के इन साइड वाला पार्ट तो ये मैंने ब्लू कलर से शेड किया है तो इंटीरियर में टोटल फोर एंगल्स बन रहे हैं एंगल थ्री फोर फाइव एंड सिक्स इंटीरियर में टोटल फोर एंगल्स हैं थ्री फोर फाइव एंड सिक्स तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑल्टरनेट मतलब एक ट्रांसवर्जल के लेफ्ट साइड में और एक ट्रांसवर्जल के राइट right साइड में तो यहाँ पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का एक पेयर होगा एंगल फोर एंड एंगल सिक्स तो हम लिखेंगे फर्स्ट पेयर को हम लिख सकते हैं एंगल फोर एंड एंगल सिक्स दे आर पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का एक और पेयर भी है एंगल थ्री एंड एंगल फाइव ये इन साइड है इंटीरियर में भी है और ऑल्टरनेट है एक ट्रांसवर्जल के लेफ्ट साइड में है और दूसरा ट्रांसवर्जल के राइट right साइड में है तो हम दूसरा पेयर लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का दूसरा पेयर है एंगल थ्री एंड एंगल फाइव नेक्स्ट रिलेशन है पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स बहुत ही क्लियर है एक्सटीरियर मीन्स बाहर की तरफ जो बन रहे हैं एंगल्स जो मैं ग्रीन कलर से शेड कर रही हूं ये सारा एक्सटीरियर पार्ट है ये एक्सटीरियर है और ऊपर भी ये वाला हिस्सा एक्सटीरियर है और इस एक्सटीरियर पार्ट में टोटल फोर एंगल्स बन रहे हैं वन टू सेवन एंड एट तो वन एंड सेवन ट्रांसवर्जल के एक लेफ्ट साइड में एक राइट right साइड में है तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स एंगल वन एंड एंगल सेवन और दूसरा है देखते हैं सेम साइड ऑफ द सो ये भी बहुत आसान है इंटीरियर एंगल्स मतलब इनसाइड वाले जो चार एंगल्स बन रहे हैं उनका रिलेशन लेना है ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल मतलब लेफ्ट साइड वाले और राइट right साइड वाले तो इसका पेयर बनेगा पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स तो इंटीरियर में कितने एंगल्स बन रहे हैं एंगल थ्री ये सारा इंटीरियर पार्ट है ये सारा पार्ट इंटीरियर है और इस इंटीरियर में टोटल फोर एंगल्स बन रहे हैं थ्री फोर फाइव एंड सिक्स इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड तो एंगल फोर और दूसरा है एंगल फाइव इन दोनों ही एंगल्स को कहेंगे इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड एंगल फोर एंड एंगल फाइव यहां पर एक और पेयर भी है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड वाला आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो पिंक कलर से एंगल थ्री एंड एंगल सिक्स तो एक और पेयर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्जल एंगल थ्री एंड एंगल सिक्स यहाँ पर हमने ट्रांसवर्जल के सेम साइड वाले एंगल्स के पेयर्स बनाए हैं क्या होगा अगर लाइन एल और एम आपस में पैरेलल हैं यहाँ पर मैंने दो पैरेलल लाइंस बनाई हैं लाइन एल और लाइन एम और उनकी ट्रांसवर्जल है पी तो इस केस में भी टोटल एट एंगल्स बनते हैं एंगल वन इसे हम एंगल टू कहेंगे इसे हम एंगल थ्री कह सकते हैं दिस इज एंगल फोर ये एंगल फाइव एंगल सिक्स एंगल सेवन एंड एंगल एट इफ लाइन एल इज़ पैरल टू लाइन एम मतलब अगर एल और एम आपस में पैरल हैं एंड इज देअर ट्रांसवर्जल पी उन दोनों की ट्रांसवर्जल है पेयर्स ऑफ करस्पोंडिंग एंगल्स ये जो करस्पोंडिंग एंगल्स हैं हमें फोर पेयर्स मिले हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स के फोर पेयर्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के टू पेयर्स ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के टू पेयर्स तो ये सारे ही आपस में इक्वल होते हैं तो इफ लाइन एल पैरल टू लाइन एम एंड पी इज द देन ऑफ़ एंगस्पोंडिंग एंगल्स जो एंगल्स बन रहे हैं वो आपस में इक्वल होंगे तो यहां पर कौन से हैं करस्पोंडिंग एंगल्स एंगल वन एंड एंगल फाइव तो एंगल वन फाइव के इक्वल होगा एंगल टू एंड एंगल सिक्स ये आपस में इक्वल होंगे एंगल थ्री एंड एंगल सेवन ये भी आपस में इक्वल होंगे और एंगल फोर और एंगल एट ये भी आपस में इक्वल होंगे तो अगर लाइंस पैरल हैं तो करस्पोंडिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं अगर लाइंस पैरल हैं तो पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे तो पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यहाँ पर आपके पास दो पेयर्स हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के वो भी आपस में इक्वल होंगे तो यहाँ पर एक पेयर है एंगल फोर एंड एंगल सिक्स ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे और एंगल थ्री एंड एंगल फाइव भी आपस में इक्वल होंगे अगर लाइंस पैरेलल हैं तो अगला है पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स यहाँ पर आप हमारे पास ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स के दो पेयर्स हैं तो वो भी आपस में इक्वल होंगे पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स विल बी इक्वल अगर लाइन एल और एम पैरल हैं तो एंगल तो वन और एंगल सेवन आपस में इक्वल होंगे और एंगल टू एंड एंगल एट भी आपस में इक्वल होंगे नेक्स्ट है पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्जल आर सप्लीमेंट्री मतलब एंगल फोर प्लस एंगल फाइव का सम वन एटी होगा और एंगल थ्री और एंगल सिक्स का सम भी वन एटी डिग्री होगा एंगल फोर एंड एंगल फाइव को कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स या को इंटीरियर एंगल्स भी कहते हैं उसी तरह से जो थ्री और सिक्स का पेयर बन रहा है उन एंगल्स को भी कॉन्जिकटिव एंगल्स या को इंटीरियर एंगल्स भी कहते हैं और यदि लाइन्स पैरल हैं तो इन एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है अब आप ट्राई करेंगे अगर लाइन एम पैरेलल है एन के और एंगल एक्स 50 डिग्री का है तो बाकी के सारे एंगल्स की वैल्यू क्या होगी आप सॉल्व करिए और बताइए थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्निंग शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग द चैनल